नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड के लिए एक तरीके से रविवार को देर शाम जो खबर आई, दो और मरीजों में कोविड 19 के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ये दोनों मरीज जो बोकारो में 9 तारीख को जो बुजुर्ग की मौत हुई थी कोविड 19 से, उनके ही संबंधी हैं। एक चाचा और दूसरे जो है भतीजा है। तो उनके परिवार से दो लोगों के पॉजिटिव होने के जो है पूरे बोकारो में साड़म से ये रिपोर्ट, और उसके बाद पूरे इलाके में सघन अभियान चलाया जा रहा है, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे वहां पर और भी प्रक्रियाओं को अपनाने की बात हो। जो उससे आगे की जो महत्वपूर्ण अपडेट है कि आज बैठक होगी मंत्रिमंडल की, और मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मसलन लालू यादव को पेरोल को लेकर जो है जो खबरें आ रही है कि कांग्रेस अड़ी हुई है, कांग्रेस चाहती है कि लालू यादव को किसी भी तरीके से पेरोल मिले, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि आज मंत्रिमंडल की बैठक जब होगी तो इसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन 2.0 में क्या किसी चीजों की छूट दी जा सकती है, या फिर लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो किस तरीके से बढ़ेगा, और बढ़ेगा तब किसानों के लिए, असंगठित मजदूरों के लिए। अलग अलग जगहों से जो रिपोर्टें आ रही है कि भुखमरी की भी बात हो रही है, कहीं लगातार राशन को सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे पहुंचाने की बात हो रही है, या फिर दाल भात केंद्र हो, जिस तरह से सरकार की तमाम योजनाओं में थोड़ी बहुत अनियमितता की शिकायत जो है वो हर जगह से आती रहती है और आ रही है, उसको लेकर सरकार एक ठोस निर्णय लेगी। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत जो है वो होने नहीं दी जाएगी। इसके लिए तमाम तरीके के हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। और कल जो एक अपडेट रिम्स से थी, जो दूसरा केस जो हुआ था मौत का कोविड 19 से, उस शव को दफनाने को लेकर जो है दिन भर गहमा गहमी रही। आखिर में लोगों ने वहां के लोकल कब्रिस्तान में शव को दफनाने नहीं दिया, और प्रशासन ने मान मलोवल करके लोगों को घर तक पहुंचा दिया। लॉकडाउन का भी उल्लंघन वहां पे हुआ, लेकिन प्रशासन ने सभी से गुजारिश की कि ठीक है, आप लोग अगर कहते हैं तो इस शव को शहर से बाहर ही दफनाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और सभी लोगों ने डीसी को पत्र भी लिखकर वहां पर अनुरोध किया कि कोविड 19 से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके शव को, संक्रमित व्यक्ति के जो शव हैं उनको कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत जो है लोकल कब्रिस्तान में वो ना दी जाए। तो फिलहाल के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स ये। अगला जो सबका ध्यान जो है आज की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक पर है, और लालू यादव की पैरोल पर जो है कांग्रेस एक तरीके से अड़ गई है। कांग्रेस का साफ कहना है कि लालू यादव जो है उनको पैरोल देना चाहिए, ये सरकार के एक तरीके से चरित्र को दिखाएगा, और इसको लेकर बीजेपी ने सवालिया निशान भी उठाए हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि लालू यादव को पैरोल जो है वो इसलिए दी जा रही है ताकि बिहार के चुनाव में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद, उन दोनों के समीकरण जो है वो ठीक ठाक रहे, वहां पर उनको फायदा मिले। अब देखना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजनीति हो, सियासत हो, यहाँ की कहानियाँ, किस्से तो हर दिन बदलते रहते हैं, और झारखंड की राजनीति तो वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। तो अब जो केसेस हैं बोकारो में 8, हिंदपीढ़ी में 8, हजारीबाग में 2 और कोडरमा में 1, यानी कि कुल मिलाकर राज्य में कोविड 19 केसेस की संख्या पहुँच चुकी है 19। और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी मसला आज मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लॉकडाउन को लेकर लिए जाएंगे कि लॉकडाउन को कितने दिनों तक के लिए बढ़ाना है, या फिर लॉकडाउन बढ़ाने की अवधि किस रूप में होगी, या फिर लॉकडाउन राज्य के अंदर लागू अगर किया जाता है तो मजदूरों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, और इस तरह की तमाम चीजें जो है आज के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद साफ हो जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक थी की थी, उस वक्त जो है लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए पक्ष में दिखे थे, क्योंकि तमाम जो टास्क फोर्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है कोविड 19 के खिलाफ टास्क फोर्स बनाई गई है
उनके भी यही राय थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। और इसके बाद जब चिकित्सकों के साथ बैठक की, सांसद और विधायकों के साथ बैठक की, जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, तो तमाम तरीके के इनपुट जो आ रहे थे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थे। तो जो भी अपडेट होगा वी विल गेट बैक टू यू, जल्द से जल्द आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस मामले में तो यही अपडेट है, 2 केसेस और बढ़े हैं बोकारो से, और सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है, राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग्स की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर नए कोई अपडेट के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए, लाइक के पैसे नहीं लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।